तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करता है, और उसके लिए प्रोग्राम भी बनाया था। ठीक है, तो अगर कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या भी जितना भी पढ़ाया मैंने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज़ पूछिए। हाँ जी, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है सर। चलो बढ़िया है। तो सुजीत, क्या होता है कंस्ट्रक्टर? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? हाँ जी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डेट डेट हेल्प टू क्रिएट न्यू डेट हेल्प टू मतलब सर वो नया मेमोरी करने के लिए काम आता है सर। मेन मेमोरी नहीं है। और इसके क्या क्या फीचर बताया था? मेन मतलब न्यू मेमोरी एलोकेट करता है सर। अच्छा, और क्या होता है कंसेप्टर? और सर कंस्ट्रक्टर ऑलवेज कंस्ट्रक्टर ऑलवेज मतलब सर हमेशा सर क्लास के नाम से ही सर वो बनता है। हाँ, तो यही बोलो, इसमें इतना बोलने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? सही तो बोल रहे हो, कंसेप्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। और और कंस्ट्रक्टर मतलब इसको मतलब सर एक कहीं मतलब ये सर इंटरनली कॉल होता है सर इसको इंटरनली हम नहीं, लोग को इंटरनली नहीं, गलत बोल रहे हो। ये कॉल करने के लिए तो न्यू तो लिखते ही हैं। इंटरनली कैसे कॉल होता है? न्यू लिखते हैं तभी तो कॉल होता है। ये बोलो कि जब भी न्यू लिखते हैं तो ये कॉल हो जाता है, वो इंटरनली वाली कहानी थी जो इंटरनली बनता है अपने आप, वो डिफ़ॉल्ट कंसेप्टर बन जाता है प्रोग्राम में, वो अलग कहानी थी। ठीक है, अच्छा, कंसेप्टर का जो सबसे बड़ा पर्पज है वो क्या होता है परवेज? सर। जैसे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वैसे ही मतलब डाटा को इनिशियलाइज किया जाता है सर एट सेम टाइम। जैसे मतलब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनलिस्टेड बनते ही डेटा बनाए इनिशियलाइज उसको कर देता है। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द डेटा एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऐसा बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही डेटा इनिशियलाइजेशन करता है। ऑब्जेक्ट बनते ही डेटा इनिशियलाइज कर देता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो कंस्ट्रक्टर के आगे रिटर्न टाइप मैं यहाँ लगा दूँ वाइड, अच्छा ये क्या है? ये क्या है? यही तो कंस्ट्रक्टर है। आप लोग म्यूट कर लीजिए और बताइए, कोई भी एक बताए, यही तो कंसेप्टर है ना? कंसेप्टर इसी को तो बोलते हैं, कार नाम से बना हुआ ये। हाँ सर। तो अगर कंसेप्टर का आगे रिटर्न टाइप ऐसे लगा दें, वैसे होता तो नहीं है कंसेप्टर का रिटर्न टाइप, पर मान लीजिए हमने लगा दिया, तो क्या ये वैलिड है? प्रोग्राम चलेगा? सर ये तो स्पेशल टाइप का आप वो नहीं हुआ ना मेथड। हाँ, तो वही मेरे कहने का मतलब है कि कंसल्टर का रिटर्न टाइप तो होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने लगा दिया रिटर्न टाइप। तो सर ये इसको पता थोड़ी चलेगा सर कितना मेमोरी को पास करना है मतलब वो ऑब्जेक्ट है बनते रहते यार, हैं ना। दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहे हो वो चीज़। कंसल्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता, बट अगर हमने रिटर्न टाइप लगा दिया तो ये वैलिड बिल्कुल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वैलिड है ना?
और ये इसलिए वैलिड है क्योंकि ये अब एक नॉर्मल मेथड की तरह बिहेव करेगा, ये एक नॉर्मल मेथड की तरह बिहेव करेगा, एक कंसिडर नहीं कहलाएगा, समझे। अभी ये प्रोग्राम में एरर आने लगेगा, क्यों? नहीं अभी तो नहीं एरर आएगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंसिडर हम कहीं कॉल कर नहीं रहे हैं, हाँ यहाँ कॉल कर रहे हैं, एरर आने लगेगा। ठीक है, मैं आपको एरर दिखाता हूँ। यहाँ पे इसे करा हमने CMD जावा सी, और माई ऑनलाइन ट्रेनिंग, नहीं, मेरे क्लास का नाम था कार, तो जावा सी कार डॉट जावा। ये देखिए कंपाइल करते ही एरर आ गया। तो ये क्यों एरर आया? क्योंकि ये कंसेप्टर हमारा डिफॉल्ट हमने बना रखा है, सॉरी हमने डिफॉल्ट बनाया ही नहीं है, और यहाँ से हम डिफॉल्ट वाले को कॉल कर रहे हैं। ये देखो ये कॉल हो रहा है, डिफॉल्ट वाला दिख रहा है, ये कॉल हो रहा है। और हमने कहीं क्लास में बनाया है क्या? नहीं बनाया, आपने कहा ये बना तो है, तो ये कंसेप्टर नहीं है, अब ये नॉर्मल मेथड की तरह बिहेव कर रहा है ना। इसको हटा दो आप तो ये चलने लगेगा प्रोग्राम। ये देखो इसको लगाते ही ये नहीं चल रहा है क्योंकि क्योंकि डिफॉल्ट कंसेप्टर हमें बनाना पड़ेगा। अब आपने कहा सर डिफॉल्ट कंसेप्टर तो हमारे प्रोग्राम में हमें क्या ज़रूरत है बनाने के लिए, डिफॉल्ट कंसेप्टर तो प्रोग्राम में होता ही होता है, एक हर जावा के प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंसेप्टर तो होता है ना। जब डिफॉल्ट कंसेप्टर होता ही है तो फिर क्वेश्चन ये है कि भाई फिर ये चल क्यों नहीं रहा है, आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर। कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है, बनाते हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहता है। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं। तो इसलिए डिफॉल्ट कंसीडर कंपाइलर देगा नहीं, इसलिए एरर आ गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने पैरामीटराइज बना रखा है ना, इसलिए डिफॉल्ट कंसीडर कंपाइलर नहीं देगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फिर प्रोग्राम चलेगा कैसे, फिर क्या कहानी होगी इसकी? तो हमारे प्रोग्राम में एक डिफ़ॉल्ट कंसेप्टर हम बना देंगे तो चल जाएगा। ये कार नाम के हमने डिफ़ॉल्ट कंसेप्टर बना दिया, क्लास के नेम से ही बनाएंगे, तो ये हमने बना दिया कंसेप्टर, और कोड को कंपाइल किया तो देखो कंपाइल हो गया। तो फिर ये क्या है, ये क्लास, तो इसलिए कुछ डिफरेंस होता है कंसेप्टर और मेथड में, समझ आ रहा है, एक कंसेप्टर और एक मेथड में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड अ मेथड, ठीक है, कंसेप्टर और मेथड में डिफरेंस होता है कुछ। आपने कहा सर क्या डिफरेंस होता है, तो पहला डिफरेंस कि मेथड का जो नाम होता है, मेथड नेम मे और मे नॉट सेम विद क्लास नेम, बट कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। मतलब मेथड का नाम क्लास के नेम से सेम हो ना हो डजेंट मैटर, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से सेम होना जरूरी है। मेथड मस्ट हैव रिटर्न टाइप बट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या बोलोगे? कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड, नॉट इवन वाइड. और क्या पॉइंट है भाई? मेथड रिप्रेजेंट या मेथड कैन बी कॉल कॉल ऑन सेम ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम. मल्टीपल टाइम बट कंस्ट्रक्टर मस्ट बी कॉल only once on one object. एक ऑब्जेक्ट पे एक ही बार कॉल होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है? और क्या डिफरेंसेस होते हैं? मेथड रिप्रेजेंट बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेयर एज कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. Initialize the object, initialize the data at the time of object creation. समझ आ रहा है? बताओ इसमें से कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा हो तो? सारा डिफरेंस क्लियर है? सुमित, सुजीत सॉरी, यस सर, सारे डिफरेंस क्लियर हैं? यस सर. तो अगर मैं किसी कंस्ट्रक्टर के आगे ऐसे वाइड लगाता हूं तो क्या ये वैलिड है? यस सर. तो फिर ये क्या ट्रीट होगा? एज अ ऑब्जेक्ट. एज अ ऑब्जेक्ट एज अ मेथड एज अ नॉर्मल मेथड एज अ ऑब्जेक्ट नहीं एज अ नॉर्मल मेथड ट्रीट होगा ये बोलो. एज अ नॉर्मल मेथड ये बिहेव करेगा. तो कंस्ट्रक्टर और मेथड में ये सब डिफरेंस हैं. अच्छा, और डिफरेंस है, और एक डिफरेंस याद आ गया मुझे कि व्हेन वी आर कंपाइलिंग एनी जावा प्रोग्राम है ना, ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर is added by Java compiler at compile time. Compile time, but it is not happen in case of method. क्या जावा का प्रोग्राम जब कंपाइल होता है तो कंपाइल टाइम पे एक डिफॉल्ट कंसीडर आता है कि नहीं आता है? बोलो. लेकिन क्या मेथड भी आ जाता है क्या? नहीं, कंसीडर आ जाता है, मेथड नहीं आता, ठीक है? कंसीडर का रिटर्न टाइप से रिलेटेड हो गया, उसके नेम से रिलेटेड हो गया, एंड उसके बिहेवियर से रिलेटेड, उसे वर्क से रिलेटेड एंड रिटर्न टाइप.
तो ठीक है, बाकी सिमिलरिटी है, कंसेप्टर पैरामीटराइज होता है, मेथड भी पैरामीटराइज होता है, कंसेप्टर भी पैरामीटराइज और डिफॉल्ट मेथड भी पैरामीटराइज डिफॉल्ट, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसे मैं सही कर देता हूँ और कंसेप्टर बना। तो डिफॉल्ट कंसेप्टर हमें तब यूज करना चाहिए जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सेम डेटा चाहते हैं, और पैरामीटराइज कंसेप्टर हमें तब यूज करना चाहिए जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट पे अलग अलग डेटा चाहते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ से एक कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है, अगर आप कंसेप्टर आपने जान लिया है, मेथड जान लिया है। वैसे चलो वो कंसेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ कि एक कंसेप्टर की वैल्यू को दूसरे कंसेप्टर में कॉपी कैसे करते हैं, या एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कैसे करते हैं, है ना। वैसे जावा में कॉपी कंसेप्टर का कंसेप्ट नहीं होता, बट हम एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करके आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा। हाँ जी, जरूरत क्यों पड़ा कॉपी करने के लिए कुछ ज़रूरत तब क्यों पड़ा, ना करूँ बताओ। नहीं सर मतलब कॉपी मतलब एक आप पता रहता सम है ना क्या मतलब नहीं नहीं आप किस समझे लिए नहीं, आप आपको मैंने इसके पहले भी बताया है, ये जो ऊप्स के कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो, ये है टेबल, 2 1 2 2 2 4, ये हाँ है। हाँ हाँ समझ गए तो ये ठीक टेबल इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है कि भैया इस टेबल का यूज आगे आप करो। अब एक मान लो कि मुझे ज़रूरत पड़ी ऐसी, अब क्यों पड़ेगी, मतलब अब जब क्यों पड़ेगी तब यूज़ तभी तो करोगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट का डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कराना है मुझे, ऐसी हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई, तो कैसे करोगे, तो पता रहेगा तभी तो करोगे। ये सब कंसेप्ट हैं, अच्छा। तो ये कंसेप्ट अगर आपको ये बता रहा हूँ कि ये, चलो मैं ये पढ़ाऊँ तो फिर ये कहोगे ये ज़रूरत क्यों है। अब जावा की ही आपको ज़रूरत क्यों है, तो उसका तो एक पर्पज़ है ना, कि क्यों हाँ पढ़ रहे सर हो, हाँ इसका भी पर्पज़ है भाई। ठीक है तो ये ए बी सी डी है, अभी आप ए बी सी डी पढ़ रहे हो, अच्छा म्यूट कर लीजिए। ये देखिए, मैंने एक क्लास बनाया स्ट्रिंग स्टूडेंट, जिसमें लिया स्ट्रिंग नेम और इंट एज। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मुझे आपको बताना है यहाँ पे, जैसे कंसेंटर के बहुत सारे मैंने यूज़ेस बताए, जैसे कंसेंटर का नाम क्लास के नेम से सेम होता है तो क्यों होता है मैंने बताया था। इसका रिटर्न टाइप वो मतलब नहीं होता, और इवन वाइड भी नहीं होता, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे में आप क्या रीज़न है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जो क्यों वाली बातें हैं ना, ये आप टॉपिक में मतलब ज़रूर पूछो, है ना, ये चीज़ मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, कि कंसेप्टर का रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, प्रोग्रामर इसे क्यों नहीं कॉल कर सकता ना, कैन नॉट कॉल द कंसेप्टर एक्सप्लिसिटली, क्योंकि हमसे चाहते थे हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका हो एक ऑब्जेक्ट पे एक ही बार कॉल हो, ठीक है, हमारा पर्पज़ था। तो ये वाला जो कंसेप्ट है कि भाई कंसेप्टर का रिटर्न टाइप मतलब नहीं होता, इवन वाइड भी नहीं होता, तो क्यों नहीं होता इसके बारे में डिस्कशन करेंगे ज़रूर। ठीक है, लेकिन इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस पे रुक जाता हूँ, इसको अभी नहीं बताता हूँ आपको। तो मैंने स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाया, और स्टूडेंट क्लास के अंदर ये डेटा ले लिया, नेम ले लिया, एज ले लिया, देन मैंने यहाँ पे सॉरी मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया है। अब मैंने इसके अंदर ये मैंने कंसेप्टर बना लिया, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, ये सब हमने बना लिया। ये स्टूडेंट नाम की एक क्लास है, इसको मैं स्टूडेंट और जावा से सेव कर देता हूँ, मैंने सेव कर दिया है पहले से ही। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ से मैं डेटा पास करा देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ से डेटा पास करा दिया राम,
और यहाँ से उसकी एज ले ली मैंने 23, है ना। एंड देन इस पे एक मेथड चला देता हूँ शो, ताकि इसका डेटा ये प्रिंट करके हमें दिखा दे। तो स्ट्रिंग नेम और कॉमा इंट एज, ठीक है। और यहाँ पे एक शो मेथड भी बना देते हैं, शो मतलब ताकि डिटेल को शो कराए, प्रिंट कराए, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हमने लिख दिया नेम और यहाँ पे एज, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रोग्राम को कंपाइल करूँ और रन करूँ तो क्या आउटपुट आएगा इसका? सुजीत बताओ, पहले सुजीत बताओ क्या आउटपुट आएगा इसका? इंट है, सॉरी, तो इंट में पास करना पड़ेगा। यहाँ पे इंट मैंने स्ट्रिंग दे दिया ना गलती से, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंट ले रखा था और नीचे से स्ट्रिंग पास कर रहा था, तो ये गड़बड़ था। तो मैंने कोड को कंपाइल कर दिया, बताइए क्या आएगा आउटपुट सुजीत? प्रिंट हो जाएगा सर, राम। राम प्रिंट होगा बस। नहीं, और एज भी प्रिंट होगा सर, न्यू लाइन में। न्यू लाइन में एज प्रिंट होगा सर। प्रवेश होगा या नहीं होगा बताओ। सर क्या बोले एक बार? अरे आउटपुट, आउटपुट पूछ रहा हूँ इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम का अपडेट बना, इनिशियलाइज हो गया सर। ये नहीं चलेगा सर। अरे नहीं, जैसे, हाँ सर, नहीं चलेगा ये इसका नल ही आएगा सर। नहीं, नल नहीं आएगा। जैसे ऑब्जेक्ट बना वही से वैल्यू इनिशियलाइज हो गया यहाँ पर। वैल्यू तो इनिशियलाइज तो हो गया, नल आएगा। पैरामीटर आई सर, इसका वैल्यू सर यही आएगा सर, राम 23 आएगा, राम 23, राम 23 आएगा। ये लो, नल और जीरो आ गया। ध्यान से देख ही नहीं रहे। हाँ सर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सर को होल्ड ही नहीं करवाए थे, कहीं पर होल्ड नहीं करवाए ना सर। यहाँ अरे मैंने होल्ड करवाया, ये डेटा, ये दोनों डेटा इन दोनों वेरिएबल में गया, और ये दो ऑब्जेक्ट, ये दो वेरिएबल ऊपर भी बनाए गए हैं। ये है इंस्टेंस वेरिएबल, म्यूट कर लो म्यूट। ये लोकल वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल, और ये है लोकल वेरिएबल। तो हमने जो डेटा यहाँ से भेजा, ये इस लोकल वेरिएबल में गए, ठीक है। ये जो डेटा हमने भेजा, ये दोनों लोकल वेरिएबल में गए। और जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये इंस्टेंस वेरिएबल जाते हैं। और जब आप यहाँ से शो मेथड चला रहे हो, तो ये शो मेथड में जो नेम और एज है, ये लोकल वाला नहीं है। लोकल वेरिएबल तो इसी इसी बॉडी के अंदर ही होंगे, ये ऊपर वाला है, इनमें अभी डेटा ही नहीं पहुंचा है, तो इसलिए दिक्कत आ रही थी। चलो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इन वेरिएबल्स का नाम भी बदल देते हैं, एन लिख देते हैं और ए लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम इज इक्वल्स टू एन और एज इज इक्वल्स टू ए। और अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट पे जो डेटा असाइन किया हमने, वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये है हमारा डेटा। समझे? ठीक है। तो हुआ क्या, ये लोकल वाला डेटा अब ऊपर जाके इन असाइन हो गया यहाँ पे। समझे सुजीत? लोकल वाला डेटा
ऊपर जाके असाइन हो गया, और जब ऑब्जेक्ट बनाए शो मेथड चलाए तो ये प्रिंट हो गया। ऐसे कहानी हुई। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसका नाम देता हूँ S1, और फिर उस पर शो चलाता हूँ, तो इस पे क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा? सो वन पर सर। सो वन स्टूडेंट वन का ऑब्जेक्ट बनाया हमने सर, इसमें तो सर हम लोग कुछ नया कंस्ट्रक्टर बनाया है ना। मुझे आउटपुट बताओ। पास शो आउटपुट सर, शो मेथड ना कहाँ है सर? सो मेथड तुम्हें नहीं दिख रहा है? सो मेथड कहाँ बना है, कहाँ, किस दुनिया में हो? अरे हाँ, सो मेथड तो बना हुआ तो ये सर मेरे ख्याल से सर दिखना प्रिंट होना चाहिए सर, क्योंकि ये जो ख्याल क्या होता है, ख्याल से थोड़ी ना होता है सारा चीज। ये बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? RAM 23 सर। RAM 23 सर, सर भी आएगा उसके सर साथ? नहीं, नहीं आएगा। लेकिन सर कंफ्यूजन भी है थोड़ा सा कि कॉपी तो कर रहे हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर मतलब एक ही बार कॉल होता है ना। कंस्ट्रक्टर एक ही बार क्यों कॉल होता है, ये कौन कह रहा है? एक ऑब्जेक्ट पे एक बार कॉल होता है, एक ऑब्जेक्ट पे एक बार हाँ कॉल होता है। आप हाँ तो 10 बार बनाओ ना, कॉल तो 10 बार करो, एक ऑब्जेक्ट शो पे एक ही। करेगा सर, हाँ शो करेगा सर। तो RAM 23 आएगा। हाँ यस सर। तुम बताओ परवेज। परवेज कॉल लगता है कट गया उसका शायद, मेरे में तो उसका दिखा नहीं रहा। चला गया क्या? हाँ सर, शायद उसका कॉल कट गया है, मेरे में नहीं दिखा रहा परवेज का। अच्छा रुको मैं इसको ऐड करता हूँ। हेलो सर, हाँ लाइन चला गया सर। अच्छा, इस प्रोग्राम का आउटपुट बताओ। क्या 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 आउटपुट आएगा? ये आएगा सर, RAM 23 आएगा, क्योंकि सर हम लोग वहां पर लगा दिए सर, जो नल था यहाँ पर नेम इक्वल नल था ऑलरेडी, उसको हमने पैरामीटराइज में वैल्यू डाल दिया सर, रन करेगा इसका RAM 23 आएगा। देख लिया पूरा हेलो अच्छे से? हाँ सर, दो स्ट्रीम दो दो नेम ये हो ऑब्जेक्ट्स हैं, गया, एक है एस स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, एक है एस, दो रेफरेंस है हमारे पास, तो अच्छा दो है। हाँ दो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, एक S1 भी है और एक S भी है। आपने ये किया, आप इसको पहले शो कर दे, एस को शो कर दे, एस चल जाएगा। S1 जो किया आपने, S1 इक्वल न्यू S1 में शो नहीं सर, जो दूसरा ऑब्जेक्ट आपने बनाया ना सर उसमें नली प्रिंट होगा, उसमें नली प्रिंट होगा, उसमें कुछ नहीं आएगा वैल्यू, क्योंकि वहां पर कुछ डाले नहीं सर हम लोग, सिर्फ उसको उसका ऑलरेडी S1 और दूसरा अपडेट जो बना है उसमें नल है ऑलरेडी, दोनों में एक में नल है एक में जीरो है, उसको प्रिंट करेंगे तो वही प्रिंट होगा ना, एक में नल एक में जीरो, मगर S जो अपडेट है उसमें RAM 23 प्रिंट होगा। चलो भैया दूध का दूध पानी पानी कर देते हैं, लीजिए। एरर आ गया पता नहीं क्यों भाई। हाँ सर,
एरर आ गया।